जबलपुर में लंदन दुबई और गोवा में बैठकर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले कुख्यात सटोरिया सट्टा किंग सतीश संपाल पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके हाईटेक कैश कलेक्शन सेंटर में छापा मारा। जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर क्राइम ब्रांच और लाडगंज थाना पुलिस ने राइड टाउन स्थित ऑफिस में देर रात दबिश दी। पुलिस बल के साथ आयकर टीम ने ऑफिस में रखी दो तिजोरी खोली, जिसमें लाखों की रकम, कई बैंकों की चेक बुक, फर्जी कर्मों और प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी निकले हैं। सतीश सनपाल की ऑफिस में जब्त रकम सिर्फ एक दिन का कलेक्शन बताया जा रहा है। वहीं एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मदन महल थाने में दर्ज आईपीएल सट्टे के प्रकरण में आजम खान और विक्की जैन की तलाश की जा रही है। दोनों क्रिकेट सट्टा किंग सतीश सनपाल के खास गुर्गे हैं। ओपन वेब पर एक्सचेंज के माध्यम से जो सट्टा खिलाने का काम करते थे सतीश सनपाल, उनके जो मोडस ऑपरेंडी थी सट्टा खिलाने की, उसी के तारतम्य में कल जबलपुर पुलिस द्वारा इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ एक रेड की गई, जो कि थाना लॉर्डगंज क्षेत्रांतर्गत आरके टावर्स में दो चैम्बर्स थे जो कि सतीश सनपाल के तथाकथित रूप से बताए जा रहे हैं कि उनके थे, और उसमें डिजिटल इंडिया एक्सप्रेस लिखा हुआ था। इन चैम्बर्स में अलमारियों के दो लॉकर डिजिटल लॉकर थे, उनको जब खोला गया तो उसमें 21 लाख करीब जो नकद राशि 21,55,600 रुपये तो मिले ही मिले, जिसका कि सीधा लिंक सनपाल और उनके जो साथियों से है। प्रथम दृष्टि अभी बिल्कुल उसका लिंक ऐसा लग रहा है कि उसी से है जो सट्टा खिलाते हैं ऑनलाइन वेब पे। साथ ही साथ चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें 27 नग सील अलग अलग कंपनियों की भी मिली हैं और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जो कि ऐसा प्रथम दृष्टिया प्रतीत हो रहा है कि ये कोई बेनामी फर्म्स भी हो सकती हैं। इसमें 102 सीआरपीसी के तहत थाना लॉर्डगंज में कार्रवाई की गई है और इसके